For the first time, the woman who has leveled rape charges on Arunachal Pradesh MLA Goruk Pordung has spoken out in public regarding the matter. Addressing the media, the victim talked of the circumstances she has been facing ever since the alleged rape took place. The victim has alleged that the accused MLA has threatened to harm her family if she pursues the case any further. ऐसा था कि उस रात में उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया था. टॉर्चरिंग में मतलब धमकी वगैरह, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रीटनिंग दिया था कि लाइक किसी को नहीं बताना है, कि बताएगा तो मतलब कि रिपुटेशन का सवाल है. और मतलब इसमें बहुत बड़ा मतलब कि मारा मारे खून खराब मतलब हो सकता है, बहुत बड़ा लड़ाई बाद में मतलब कि कोई भी मर सकता है, तेरा हस्बैंड मर सकता है या फिर तुम भी मर सकते हैं, तुम्हारा फैमिली भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसने वही मुझे बोला कि मेरा तो क्या है ना, हम तो एक MLA है, अब तो पावर है मेरा, हम तो निकल ही जाएगा. उसने मुझे ऐसा बोला, कैसे बोलेगा, बोलूं कि ना बोलूं, ऐसा मतलब कि ऐसा हो रहा था कि उसका जो ट्रीटनिंग मतलब कि जो सच होगा, कल को अगर दुनिया पता चलेगा, मेरा भी इज्जत का सवाल है ना. अभी तो मेरा इज्जत तो ऐसे भी मतलब हो ही गया पूरा, सब लोग हमको ही अभी उंगली उठा रहा है. ये मतलब ये चीज़ को मतलब नहीं होने के लिए मतलब कि वही हम बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मेरा हस्बैंड का भी इज्जत जा रहा है, अभी तो मेरा भी इज्जत जा रहा है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा है ना, करने वाला वो तो आराम से बैठ रहा है, हम लोग का ही जा रहा है. अभी सब लोग उंगली तो हम पे उठा रहा है, इस पर उठा रहा है, तो मतलब वही सोच के हम मतलब कुछ नहीं बोल पाए. The victim also alleged undue harassment by the police regarding the case. She pointed out that she was made to unnecessary medical tests afterwards, which she found objectionable. FIR में FIR देने के बाद भी वो लोग जो मतलब लेने के लिए बहुत लेट उठ किया, मुझे बोला कि चलो मेडिकल टेस्ट के लिए चला जाओ बोल के ना, तो मैंने मेडिकल टेस्ट के लिए चला गया. मेडिकल टेस्ट करके वापस आए फिर से वो आमो सर ने फिर वो लोग क्या क्या हो रहा है हमको तो कुछ मालूम नहीं है ना, हमको तो पता नहीं है, हम तो मतलब कि ऐसे FIR दे के तो चुपचाप बैठ रहे. तो उसके बाद वो लोग फिर आमो सर बोला कि इसमें टेस्ट में जो उसका ऑफिसर है कुछ मतलब छूट गया ना, तुम फिर से दोबारा करने के लिए जाओ बोल के फिर से नया 3-4 पॉइंट लिख के फिर से मुझे भेज दिया ट्रिम्स में. टू टाइम्स हमको मतलब कि हाँ मेडिकल में मेडिकल एग्जाम 2 times वन डे, ये कोई जस्टिस है क्या? आप सोचो. An FIR was filed at the Itanagar Women's Police Station on October 13. As per the FIR, the alleged incident of rape took place on October 12 at a city hotel in Itanagar.